तो इसका लफ्ज़ी मैंने वही है जो आपने बताया, ठहरना। तो शरीयत की इस्तलाह में 20वां रोज़ा इफ्तार करने से पहले अल्लाह के घर में अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशनूदी के लिए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करने के लिए ईदुल्फितर का चांद नज़र आने तक ठहरना, बैठे रहना, तो इसको इतकाफ़ कहते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बुनियादी शरायत भी हैं कि उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, बालग और समझदार हो, जो तहारत पाकिजगी के मसाइल को समझता हो, फिर हद से अकबर असगर से भी पाक और नजास से, गलीजा खफीफा से भी, अगर ख़वातीन हैं तो वो हैज़ो नफास के मामलात से पाक और साफ़ हों, फिर मस्जिद हो, फिर उसके साथ रोज़ा भी हो, क्योंकि जुमातुल मुबारक भी इसमें आ जाता है, जुमातुल विदा बाज का दो जुमे भी आ जाते हैं, तो ऐसी मस्जिद को तरजीह दी जाए जो जामिया मस्जिद हो, जहाँ जुमे का अहतमाम होता है। अगर वो करीब नहीं है तो दूसरी मस्जिद में बैठ सकते हैं, लेकिन फिर जुमे के लिए खामोशी से वो वहाँ से जा सकते हैं। फिर जो है वो बंदा जो है अकल शऊर भी उसका ठीक हो, दीवाना ना हो, क्योंकि वहाँ नमाज़ें अदा करना, वहाँ पे तलावत करना, सारे अमूर खैर सारे अंजाम देने के लिए होशो आवाज़ कायम होना जो है वो भी ज़रूरी है।